गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे एंगुलर फ्रिक्वेंसी या कोणीय आवृत्ति। तो अभी अपन पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में सर्कुलर मोशन या एंगुलर मोशन। तो कोई भी कण है या कोई भी सिस्टम निकाय है, अगर वह किसी भी वक्र पर, किसी भी कर्व पर, अगर वह सरल रेखीय नहीं है, इसके अलावा किसी भी कर्व या वक्र पर गति करता है, तो वह उसकी एंगुलर मोशन होती है। अगर वह वर्ताकार पथ पर गति करता है, तो वह उसकी वर्तुल गति या सर्कुलर मोशन होती है। और किसी समय में अगर उसके द्वारा तय की गई जो विस्थापन है, वह कोणीय रूप में मेजर किया जाता है, तो वह उसकी कोणीय गति के रूप में अपन उसको लिखते हैं। तो देखिए, एंगुलर फ्रिक्वेंसी या कोणीय आवृत्ति क्या होती है। तो नॉर्मली इसका सूत्र जो है वह ओमेगा बराबर 2πn है, जो अपन डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, एक कोई भी कण है, वह किसी भी वर्ताकार पथ पर गति कर रहा है। सब कुछ कीजिए, यह एक कण है जो r त्रिज्या पर m द्रव्यमान का एक कण है, अगर वह गति कर रहा है। क्योंकि किसी समय t बराबर 0 पर यह यहाँ पर है, और किसी समय t बराबर t होने पर, किसी समय t पर इसके द्वारा तय किया गया जो दूरी है, सपोज ये दूरी रेखीय दूरी के रूप में बोलूँ इसको, तो यह s है, और कोणीय दूरी के रूप में बोलूँ तो यह थीटा है। अभी अपने जो पढ़ा था, अब किसी भी बिंदु, सपोज ये बिंदु ए था और ये बिंदु बी है, तो बिंदु ए के ऊपर उसका रेखीय वेग है वह वी होता है, और जो कोणीय वेग है वो अपन लिखते हैं, वो हमेशा दाहिने हाथ के नियम के अनुसार या स्क्रू के नियम के अनुसार होता है। अगर कोई भी वर्ताकार पथ में गति कर रहा है और उसका रेखीय वेग उसके द्वारा किसी बिंदु पर जो खींची गई स्पर्श रेखा है, तो जो कोणीय वेग होता है वह दाहिने हाथ के नियम के अनुसार, ऐसे देखो इस प्रकार से, अगर कण इस प्रकार से गति कर रहा है तो यह अंगूठा है वह कोणीय वेग की दिशा को दिखाएगा। अगर यह ऑपोजिट डायरेक्शन में गति कर रहा है तो नीचे की तरफ हो जाएगी। तो जब कण की गति है, यहाँ पर देखिए कण की गति यहाँ पर किस तरफ से है, आप ये देखिए। सबसे पहले कण की गति है एंटी क्लॉक वाइज है, एंटी क्लॉक वाइज है तो ऊपर की ओर होगा, और अगर क्लॉक वाइज गति होती है तो नीचे की तरफ होता है इसका कोणीय वेग। तो अब देखिए, यहाँ पर कोणीय आवृत्ति की बात कर रहे हैं अपन। तो किसी भी कण के द्वारा, कण है यहाँ पर बिंदु ए से बिंदु बी पर पहुँचता है समय टी में, और तब इसका कोणीय विस्थापन होता है वह कितना हो गया, थीटा, करेक्ट। तो किसी भी किसी कण के द्वारा अपन कह सकते हैं, किसी कण द्वारा एकांक समय में, एकांक समय का मतलब यहाँ पर है, यहाँ पर बिंदु ए से बीच का समय, तो टी ए बी बराबर 1 सेकेंड, एकांक समय में तय किया गया कोणीय विस्थापन, तय किया गया कोणीय विस्थापन कोणीय आवृत्ति कहलाती है, कोणीय आवृत्ति कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी कण है अगर वह एकांक समय में, अगर टी समय में यह थीटा स्थापन करता है, तो यहाँ पर जो कोणीय आवृत्ति हो जाएगी नॉर्मली ओमेगा थीटा बटे टी के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि जो कोणीय विस्थापन है वह है थीटा। और अगर कण है सपोज टी वन समय में इसने थीटा वन किया है, और टी ये सपोज जीरो से लेकर टी वन है और ये टी टू है, और इसमें इसने थीटा टू किया है, तो थीटा टू माइनस थीटा वन बटे टी टू माइनस टी वन, ऐसा भी लिखते हैं, जिसको अपन नॉर्मली डी थीटा बटे डी टी भी कह सकते हैं। तो अगर मैं कहूं कि डी टी बराबर 1 सेकेंड है, तो ओमेगा बराबर डी थीटा भी हो जाएगा। तो एकांक समय में कण के द्वारा तय किया गया कोणीय विस्थापन है वह कोणीय आवृत्ति कहलाती है। चूँकि अगर इसे मैं पूर्ण चक्कर के लिए मानूँ, कोई कण है अगर बिंदु ए से गति चालू करता है और वह एक चक्कर पूरा करता है, तो एक पूर्ण चक्कर के लिए कोणीय विस्थापन, एक पूर्ण चक्कर के लिए कोणीय विस्थापन कितना हो जाएगा, 2π, ठीक है। और एक चक्कर के लिए लगा समय होगा वो उसका आवर्तकाल होगा, एक चक्कर में
जो लगा समय, कोई कण है बिंदु ए से गति करना चालू करता है और ये पूरी तरह से घूम के वापस ए पर ही आता है, तो इस एक चक्कर में लगा समय टी। अब देखिए कोणीय विस्थापन है 2π और टी है समय, तब कोणीय आवृत्ति कितनी हो जाएगी, ओमेगा बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय। तो कोणीय विस्थापन कितना है 2π और समय कितना है टी, तो इसका मतलब हो गया 2πn, जहाँ पर 1T बराबर n, इसको अपन रेखीय आवर्ति या साधारण आवर्ति बोलते हैं इसको। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर कोणीय आवर्ति का मान ज्ञात कर सकते हैं। सीधा सीधा जो कोणीय आवर्ति होती है वह रेखीय आवर्ति के समानुपाती होती है। कोणीय आवर्ति होती है वह नॉर्मली जो मान है उसको अपन कोण के रूप में लिखते हैं। यहाँ पे क्या है 2πn है, तो n क्या है 1/T और टी समय और टी का जो यूनिट मात्रा का वो सेकंड, तो n का कितना हो जाएगा मात्रा कितना हो जाएगा सेकंड इनवर्स इसको अपन बोलते हैं। कई बार यह जो कोणीय आवर्ती है इसे घूर्णन की दर भी बोलते हैं, रोटेशन रेट, इसे अपन घूर्णन दर या रोटेशन रेट भी कहा जाता है, इसे रोटेशन रेट भी कहा जाता है, या फिर इसे अपन चाहें तो रेडियल फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, इसे कई बार रेडियल फ्रीक्वेंसी या त्रिज्य आवर्ति, रेडियल फ्रीक्वेंसी या त्रिज्य आवर्ति के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्योंकि इसी से रिलेटेड बातें कर रहे हैं तो अपन टाइम पीरियड भी इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, टाइम पीरियड या आवर्तकाल, टाइम पीरियड या आवर्तकाल का मतलब क्या है कि अभी अपन ये देखो यहाँ पर अपने डिस्कस किया है कि किसी भी कण के द्वारा वर्ताकार पथ पर गति करते समय एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, या किसी भी दोलक के द्वारा एक चक्कर या अपने पथ पर एक चक्रण पूरा करने में जो लगा समय है वह उसका आवर्तकाल होता है। तो आवर्तकाल की परिभाषा अपन दे सकते हैं, घूर्णन करने वाले तल में पिंड द्वारा, तो अपन इसके डेफिनेशन देंगे, घूर्णन करने वाले पिंड द्वारा, पिंड का मतलब द्रव्यमान मास बॉडी, घूर्णन करने वाले पिंड द्वारा, यहाँ पर आप पिंड को द्रव्यमान m भी लिख सकते हैं, घूर्णन करने वाले पिंड या मास के द्वारा एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है, लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। तो अगर किसी समय टी समय में अगर कोई भी निकाय है वह एन चक्कर पूरे करता है, सपोज 10 सेकंड में 5 चक्कर लगाता है, तो एक सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, तो 5/10 आधा चक्कर लगाएगा ना अपन कह सकते हैं, या 10 सेकंड में 5 चक्कर लगाता है तो एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, तो 10/5 2 सेकंड, तो अर्थात 2 सेकंड एक चक्कर का होगा, तो वो उसका आवर्तकाल हो गया है। और प्रति सेकंड कितने चक्कर लगाएगा, तो हो जाएगा 5/10 अर्थात एक सेकंड में आधा चक्कर लगाएगा, तो वो उसकी आवृत्ति हो जाती है, देखिए आवृत्ति को अपन इससे लिख सकते हैं। अब देखिए इसी से रिलेटेड अपन जो बातें कर रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ न्यूटन की गति के 3 समीकरण जो अपन पढ़ते हैं, अपन यहाँ पर जो बातें कर रहे हैं इक्वेशन पढ़ रहे हैं वो 1D गति की बात कर रहे हैं। तो न्यूटन की गति के लिए देखिए उसमें क्या क्या दिया गया है, उसमें दिया जाता है यू अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, वी अंतिम वेग और यू प्रारंभिक वेग, यह है फाइनल वेलोसिटी या अंतिम वेग और यह है इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग, टी समय, ए त्वरण। तो अपन कह सकते हैं न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है, वी बराबर यू प्लस ए टी, अर्थात कोई भी कण है अगर वह यू वेग से गतिमान है और उसका त्वरण ए है तो टी समय के बाद में कण कितनी वेग पर होगा वो ज्ञात करते हैं।
दूसरा इक्वेशन क्या है, एस बराबर, या एक तीसरा एस भी लिख दीजिए, वह है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका मतलब किसी भी कण का प्रारंभिक वेग है वो यू है, सपोज प्रारंभिक वेग यू है और ए त्वरण है, तो वो गति कर रहा है टी समय के बाद में, ये टी समय ले लिया उसने ए त्वरण के साथ में, तो टी समय के बाद में कण के द्वारा तय की गई दूरी जिसको एस बोलते हैं वो दूसरे समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा, कोई भी कण का प्रारंभिक वेग यू है अगर वह ए त्वरण से गति कर रहा है और किसी समय वह दूसरे बिंदु पर पहुंचता है टी समय के बाद में, तो वहां पर उसका वेग कितना है वी, तो उसको अपन वी वेग लिख सकते हैं, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये न्यूटन की गति के तीन समीकरण हैं, ये सरलरेखीय गति के लिए। अब ठीक ऐसा ही इन्हीं के आधार पर अपन कोणीय समीकरण भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि वी क्या है अंतिम वेग, तो यहाँ पर वी को कोणीय अंतिम वेग ओमेगा से लिखेंगे। यू क्या है प्रारंभिक वेग, तो कोणीय प्रारंभिक वेग ओमेगा जीरो हो जाएगा। ए क्या है त्वरण, तो अल्फा कोणीय त्वरण हो जाएगा। और एस क्या है दूरी, तो यहाँ पर एस जो दूरी है वह हो जाएगी कोणीय विस्थापन थीटा से। और इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं समय टी, टी है वह टी ही रहेगा। ओके, ये दो तीन चीज़ें अपने डिस्कस में हैं यहाँ पर। तो अब देखिए इसके आधार पर अपन न्यूटन की गति का पहला समीकरण देखिए, वह है यू बराबर वी बराबर यू प्लस ए टी, तो यहाँ पर ओमेगा बराबर ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी, अर्थात कोई भी कण का प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा जीरो है, प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा जीरो है और कोणीय त्वरण अल्फा है, तो टी समय के बाद में उसका कोणीय वेग ओमेगा होगा, ओमेगा बराबर ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी होगा। ये पहला समीकरण। दूसरा समीकरण होगा थीटा बराबर, थीटा क्या एस का मतलब विस्थापन है या रेखीय विस्थापन या कोणीय विस्थापन, तो थीटा बराबर ओमेगा जीरो टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इसका मतलब क्या, देखिए यहाँ पर एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, किसी भी कण का प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा जीरो है और अल्फा उसका कोणीय त्वरण है, तो टी समय के बाद में उसके द्वारा तय किया गया कोणीय विस्थापन। यू समझिए, देखिए एक कण है अगर वह ओमेगा जीरो कोणीय वेग से गतिमान है तो टी समय के बाद में, ये टी समय यहाँ से यहाँ तक ये जीरो है टी है, तो टी समय तक तय की गई दूरी थीटा है, तो थीटा का मान है ओमेगा जीरो टी अल्फा टी स्क्वायर जाएगा हाफ के साथ। अगर ओमेगा जीरो टी प्रारंभिक कोणीय वेग है वो जीरो माना गया है तो थीटा बराबर अल्फा टी स्क्वायर बटे दो का मान आएगा, अर्थात जो कोणीय विस्थापन है किसी भी कोणीय गति करने वाले कण के लिए कोणीय विस्थापन है वह समय के स्क्वायर के समानुपाती होता है। अब ऐसा तीसरा क्या है अंतिम कोणीय वेग, अंतिम कोणीय वेग ओमेगा स्क्वायर प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा जीरो स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा। ये हो गया न्यूटन की गति का तीसरा समीकरण। तो देखिए अपने पास में न्यूटन की गति के तीन समीकरण आ गए हैं, तो मैं इनको बारी बारी से एक बार लिखता हूँ। ओमेगा बराबर ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी, थीटा बराबर ओमेगा जीरो टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा जीरो स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा। ये किसी भी कोणीय गति के लिए न्यूटन की गति के समीकरण हैं। अगर मैं कहूँ कण है वह प्रारंभिक कोणीय वेग उसका जीरो है, अर्थात ओमेगा जीरो बराबर जीरो है, तब देखिए ओमेगा बराबर अल्फा टी, थीटा बराबर अल्फा टी स्क्वायर बटे टू, ओमेगा स्क्वायर बराबर टू अल्फा थीटा। अब इनका यूज करते हैं तो इनसे अपन आपस में संबंध बता सकते हैं कि किसका संबंध किसके साथ में कैसा है। अब देखिए ओमेगा और थीटा कोणीय वेग और कोणीय विस्थापन के बीच का संबंध, तो देखिए ओमेगा बराबर अल्फा टी और थीटा बराबर अल्फा टी स्क्वायर बटे दो, ऐसा है तो थीटा में अल्फा बटे टू और टी का मान रख दीजिए, तो टी का मान कितना आएगा, टी का मान यहाँ से करेंगे तो ओमेगा बटे अल्फा, तो ओमेगा बटे अल्फा का स्क्वायर, टी स्क्वायर है यहाँ पर, तो अल्फा ओमेगा स्क्वायर बटे दो। समझ लें, देखिए थीटा बराबर
अल्फा ओमेगा स्क्वायर बटे दो। और ये सेम इक्वेशन अगर अपन रे के वेग के लिए बात करते हैं तो कैसी आती है, थीटा का मतलब क्या है एस और ए और वी स्क्वायर बटे दो, आता अपना ऐसा ही। अगर देखिए यहाँ की बात मैं कर रहा हूँ तो मैं इसे कहूँ यू बराबर जीरो तो वी स्क्वायर बराबर टू ए एस, और यहाँ पर देखिए वी बराबर ए टी और एस बराबर ए टी स्क्वायर बटे दो, तो इसका मतलब ये हो गया ए बटे दो वी बटे ए का स्क्वायर, तो ए वी स्क्वायर बटे दो ये माना है एस बराबर ए वी स्क्वायर बटे दो और यहाँ पर ए टी स्क्वायर का हाफ, तो ए वी स्क्वायर बटे दो। ऐसे ही अल्फा ओमेगा स्क्वायर बटे दो, तो थीटा थीटा का रिलेशन आ गया थीटा बराबर अल्फा ओमेगा स्क्वायर बटे दो। और बात करें अपन तीसरे इक्वेशन की, तो तीसरे इक्वेशन में भी देखिए यहाँ पर ओमेगा बराबर जीरो मानेंगे, जीरो बराबर जीरो मानेंगे, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर टू अल्फा थीटा। तो यहाँ से अगर अपन डिस्कस करते हैं तो देखिए कि थीटा बराबर अल्फा ओमेगा स्क्वायर बटे दो और थीटा है वो समानुपाती है ओमेगा स्क्वायर के, और यहाँ से भी थीटा है वो समानुपाती है ओमेगा स्क्वायर के, लेकिन यहाँ पर अल्फा भी नियत नहीं है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। अगर अल्फा नियत है तभी ये रिलेशन वैलिड होगा। तो अपन इसके बारे में कोणीय वेग के बारे में और कोणीय गति के समीकरणों को पढ़ते हुए अपन डिफरेंट डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं भौतिक राशियाँ हैं इनके बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो आप इस पक्ष से और प्रैक्टिस कीजिए। अभी अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय सेंट्रिपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। थैंक यू।